महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं मास्क लगाकर रखना शासन ने अनिवार्य किया है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं करते हुए बिना मास्क लगाए घूमते हैं व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करते हैं, जिसके चलते आज बड़नगर पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए करीब 100 लोगों को हिरासत में लेकर अस्थायी जेल कॉन्वेंट स्कूल में बंद किया। थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने बताया कि कोरोना महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए आज नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 100 लोगों को अस्थायी जेल कॉन्वेंट स्कूल भेजा गया। इसके साथ ही थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने बताया कि नगर में 2 जगह अस्थायी जेल बनाई गई हैं, जिसमें हजारीबाग कॉन्वेंट स्कूल तथा दूसरा नयापुरा स्थित उत्कृष्ट विद्यालय को अस्थायी गई है। रात में 8 बजे के बाद यदि कोई भी व्यक्ति 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन से या पैदल नगर में घूमते पाया गया तो उससे अस्थायी जेल जाना पड़ेगा। सर बताएं, आज किस प्रकार की कार्रवाई की गई है? अभी कोरोना को लेके जो है जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है हमारे द्वारा, और मैक्सिमम लोग जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उन सबको रोक रहे हैं। यह एक अस्थायी जेल हमारे द्वारा 2 स्थानों पर बनाई गई, एक तो उत्कृष्ट स्कूल, एक कॉन्वेंट स्कूल। इन दोनों स्कूलों में हमारे द्वारा अस्थायी जेल बनाई गई। यदि कोई पालन नहीं करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा इनको अस्थायी जेल में निरुद्ध किया जाएगा, उनको शपथ ग्रहण कराया जाएगा। सर आज कितने लोगों को पकड़ा है? अभी 100 लोग हैं जिनको शपथ ग्रहण कराया गया है। ये जारी रहेगा लगातार।